देश में जो स्थिति बनी है उसकी चर्चा हो रही है कृषि कानून। ये दरअसल कृषि कानून नहीं है बल्कि पूंजीपतियों को लाभ देने का कानून है। पहली बार ये हुआ है कि किसी भी राजनीतिक दल ने न ही किसी किसान संगठन ने यह मांग की है कि कृषि कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। धान खरीदी करने के लिए, अनाज खरीदी करने के लिए पूरे देश में जो व्यवस्था है वो FCI की है और राज्य सरकार एजेंसी के रूप में काम करती है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही और यही बात मैं विधानसभा सत्रों में अनेक बार मैं इसको विधानसभा में भी कह चुका हूँ कि राज्य सरकार एजेंसी है। जैसे राज्य सरकार की एजेंसी मार्फेड है, उसी प्रकार से अनाज खरीदी करने के लिए भी एक माध्यम है राज्य सरकार। केंद्र सरकार MSP तय करती है और अनाज संग्रहण करने का काम भी FCI के माध्यम से भारत सरकार करती है। जून 2014 में उन्होंने पत्र लिखा कि जो राज्य सरकार बोनस देगी वहाँ से अनाज नहीं खरीदे जाएगा, वो न लोकसभा में आया है न किसी एक संशोधन किया है, एक अधिकारी का आदेश ये जारी हो गया और फिर अनाज खरीदी जहाँ बोनस देना है वहाँ अनाज खरीदी बंद हो गया।